आयुष विभाग द्वारा सर्किट हाउस स्थित भवन सभागार में जनपद व मंडलीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पे प्रायच विधायक महेंद्र पाल सिंह एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसके संबंध में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो मनुष्य जीवन में निरोगी रहना चाहता है, मनुष्य चाहता है कि अधिक से अधिक अपना जीवन जी सके, तो इसके लिए आयुर्वेद पद्धति को अपनाना होगा और एलोपैथ से दूर जाना होगा और आयुर्वेद की पद्धति को अपनाकर हमें जीवन जीना होगा। उन्होंने आयुष मंत्रालय को बधाई देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आयुर्वेदिक के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है। इसी क्रम में पिपराइच विधानसभा में 300 करोड़ रुपए की लागत से गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय बनकर तैयार हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पशुपति नाथ तिवारी और पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, बच्चों बताइए बिकॉज आप लोग भविष्य हो, ये भारत और भारत का इतिहास सबसे पुराना है और भारत जिन कारणों की वजह से विश्व में जाना जाता है उसमें आयुर्वेद आयुष योग, इसके लिए अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद विकास की गति स्वदेशी जहाज से लेके फाइटर प्लेन से लेके फाइटर हेलीकॉप्टर और सड़कें बिजली मकान विकास व्यवस्थाएं, मुझे महाराज जी की व्यवस्थाएं उनके कार्यकाल में जो आप लोग देख रहे हो, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। आप लोग सही मायने में बताऊं बहुत भाग्यशाली इसलिए कि आप लोग का जन्म और आप लोग की जब होश संभालने की उम्र थी है उसमें आप लोग यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जीवित देख रहे हो और पूज्य महाराज जी को और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देख रहे हो और इसी दौरान ये ऐसी बैठकें होने लगी। ये मैं जब छोटा था या जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था गांव में या जब मेरी गांव का मेरा जीवन रहा या मैं शूटिंग के दौरान मैं समस्त बिहार यूपी का कोई गांव नहीं था जहां मैंने भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग नहीं की या हिंदी फिल्मों की शूटिंग नहीं। मैंने कभी ये जागरूकता वाले मूवमेंट्स नहीं देखे, इसको मूवमेंट कहा जाता है। ये बैठक आज बहुत मैं सभी लोगों को मैं साधुवाद दूंगा जिन्होंने इस आयुष के कॉन्वर्जेशन पे आज एक डिबेट रखा, एक चर्चा रखी, गोष्ठी रखी जहाँ बच्चे अपनी बातें रखें। आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर भी किया होगा, आप आज आप लोग अच्छी बातें करेंगे, ये बातें रिकॉर्ड होंगी, ये बातें प्रधानमंत्री जी तक जाएंगी, बात मुख्यमंत्री जी तक जाएंगी, ये हमारे द्वारा जाएंगी, ये नमो ऐप पर भी जाएंगी। तो आप यहाँ जो जो बोलेंगे ट्विटर पे होगा, फेसबुक पे होगा, भारत सरकार देखेगी इसको, महाराज जी स्वयं देखेंगे इसको, आयुष से जुड़े हुए सारे प्रोफेसर देखेंगे इसको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो महाराज जी ने पिपराइच में बहुत बड़ा आयुष महाविद्यालय की शुरुआत कर दी, करीबन 300 करोड़ से ज्यादा की लागत। अब ये विद्यालय आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि गोरखपुर में बन रहा है, समस्त उत्तर प्रदेश में का पहला विश्वविद्यालय होगा जो आयुष पर होगा और यहाँ पे विदेश के बच्चे भी आएंगे। मैं अभी फॉरेन गया था, मुझे प्रधानमंत्री जी ने 5 देश की यात्रा पे भेजा था तो मैं वहाँ के बच्चों को भी वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में गया, मैक्सिको एक लैटिन अमेरिका जगह है, वहाँ के बच्चों के साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे थे और मुझे वहाँ बोलना थी और उनकी सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी आयुष पर। तो मैंने कहा कि हमारे गोरखपुर में आयुष महाविद्यालय
विश्वविद्यालय बन रहा है। आयुष विश्वविद्यालय जो पूज्य महाराज जी केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा स्थापित हो रहा है, मुझे लगता है एक साल में रेटिना द्वारा प्रिस्क्राइब होती है। ये सब शरीर के लिए आयुष जो देश के साथ वो जड़ी बूटियों के साथ रहा या जो घर की चीज़ें रही या घर से हमारी जो माताएं हों, तो ये सारी जो हमारे आसपास की प्रकृति से जन्मी चीज़ें वो हमारे शरीर के साथ निकली है। तो हमारे प्रकृति से उपजी हुई चीज़ों के साथ हम अपने शरीर को कैसे उसका उपचार करते हैं। सर कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभाशंकर मन जी, मीना पुष्कर दोहरे जी, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी, डॉक्टर पशुपत नातिवारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग द्वारा जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आज आयोजित है 15 तारीख। इस प्रतियोगिता का विषय है मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता। इस पे सभी जनपद के गोरखपुर जनपद के सभी स्कूलों से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और वे इस पे भाषण प्रतियोगिता आयोजित है और इस प्रतियोगिता में पुरस्कार भी है, जिसका प्रथम पुरस्कार है 5,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार है 2,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1,100 रुपये और सांत्वना पुरस्कार 501 रुपये है। लास्ट मंडल स्तरीय प्रतियोगिता 17 तारीख को है, उसमें पूरे मंडल के लोग आएंगे तो उसका भी वो आयोजित होगा। इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार और लोगों को पता चले कि हमारे डेली यूज में आयुर्वेद की औषधियाँ कैसे यूज कर सकते हैं और क्या बेनिफिट है उसका, इस पर जागरूकता है। और आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। देखिए आज जो प्रतियोगिता आयोजित किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा, आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन में महत्व क्या है, इस विषय पर यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मैं आयुष मंत्रालय को इस जन जागरण अभियान के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। देखिए मनुष्य जीवन में निरोगी रहना चाहता है, उसकी काया सुंदर होनी चाहिए, धरा पर वो चाहता है कि अधिक से अधिक हम अपना जीवन जिए, तो इसके लिए हमें आयुर्वेद की पद्धति को अपनाना होगा, एलोपैथ से हमें दूर जाना होगा और आयुर्वेद की पद्धति को अपना करके हमें जीवन में जो धन्वंतरी जी ने जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा माध्यम है कि प्रकृति की जो संरचना है हमारे वातावरण में हर जगह वो उपलब्ध है, केवल हमें जानकारी का अभाव है। और अगर मनुष्य को उसके बारे में जानकारी रहेगी तो मैं समझ सकता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने पास ही घर के जितनी भी हमारे घरों के अंदर जितने तरह के, मैंने अभी यहाँ अपने उद्बोधन में कहा कि जैसे मुझे विटामिन सी की ज़रूरत है तो हम आंवले से प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है हम लहसुन गार्लिक जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। हमें अगर जैसे गिलोय था कोरोना कालखंड में, गिलोय ने बहुत अच्छा कार्य किया, हम सब पेड़ों पर गिलोय को देखते थे, हम सबों को यह जानकारी नहीं थी कि गिलोय से हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कोरोना ने हमें सिखा दिया कि मनुष्य को अगर जीना है तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पानी गर्म पीना चाहिए। गिलोय का काढ़ा बना करके पूरे भारत के लोगों ने पिया और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया और मैं कह सकता हूँ कि 125-30 करोड़ के आबादी का भारत पूरे दुनिया में यह दिखा दिया कि आबादी के दृष्टिकोण से भारत बहुत बड़ा है, लेकिन मरने की जो डेथ हुई थी कोरोना काल में विश्व में सबसे कम हुई थी। और ये कहीं ना कहीं ये जो आयुर्वेद पद्धति है उसको अपना करके, गिलोय को अपना करके जो काढ़ा लोगों ने पिया, गर्म पानी पिया, तो उससे जो लोगों को जीवन मिला, मैं बधाई देना चाहता हूँ आयुष मंत्रालय को आज के इस कार्यक्रम के लिए कि लोगों को जागरूक करने का इससे अच्छा इससे बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता है। और मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी अपने मुख्यमंत्री जी को कि जो लगातार केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को धरती पर अपने उत्तर प्रदेश की उतारने का कार्य किया है, पिपराइज विधानसभा में
गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो 300 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो रहा है, निश्चित है आने वाले दिनों में वो मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा थॉट था बच्चों के लिए और बच्चे इसको बड़ा अच्छा, आज आयुष पर बात करेंगे, आयुष में चर्चा करेंगे, तो एक ये अच्छा थॉट रहा और ये मैं इसको साधुवाद देता हूँ कि ऐसे थॉट को पूज्य महाराज जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इसमें आदेश निर्देश में इसको किया जा रहा है, जहाँ पे ये ज्ञान होगा कि हम लोग लोकल रेमेडीज़ के साथ कैसे आगे बढ़ें।